हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पैराडाइज बीच पे पौंडीचेरी में। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ का बीच कैसा है। ये वाकई में पैराडाइज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पे हैट्स लगी हुई है और बढ़िया यहाँ पे नज़ारा है। दोस्तों पैराडाइज बीच पौंडीचेरी का सबसे अच्छा बीच माना जाता है और ये बहुत काफ़ी बड़ा है, बहुत एरिया में फैला हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। अभी भी काफ़ी लोग आए हुए हैं क्योंकि कोरोना का चल रहा है, लॉकडाउन वगैरह का यहाँ पे। लेकिन दिन में आ सकते हैं, नाइट में आप नहीं आ सकते 10 बजे के बाद, लेकिन दिन में आप यहाँ पे घूम सकते हो, काफ़ी एंजॉय कर सकते हो इधर आके। तो चलिए आपको थोड़ा अंदर का दिखा देते हैं, समुद्र में जाके कैसा लगता है नमकीन पानी। हमारे कुछ मित्र आए हुए हैं हमारे साथ, तो हम सभी इधर एंजॉय कर रहे हैं। काफी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं। ये हमारे कुछ मित्र आए हुए हैं। देखिए अगर आप जाओ तो दोस्तों के साथ जाओ, मजा तो दोस्तों के साथ ही आता है। काफी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं। चेन्नई से काफी अच्छा बीच है यहाँ पे और काफी काफी मजा आता है इधर। लाइफ में एक बार जरूर आए आप भी। आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं पानी को। हो गया। यहाँ पे आप सीप पकड़ सकते हैं, मैंने पकड़ी है यहाँ पे। तो देखिए ये सीप है, यहाँ पे मैंने पकड़ी हुई है। अगर आप कभी पीस ढूंढने के लिए निकलो तो यहाँ पर आओ और थोड़ी देर बैठ के शांत मन से आप समुद्र की आवाज़ सुनो, वेव्स की, तो वाकई में आपको बहुत पीस मिलेगा इधर आके। दोस्तों यहाँ पे डीजे चलता रहता है और वो जो आपको पीछे मेरे हार्ट दिखाई दे रही है उसमें डीजे चल रहा है। यहाँ तक तो आवाज़ नहीं पहुँच रही लेकिन वहाँ जाके मज़ा आ रहा है काफ़ी, मतलब डीजे ऑन बीच वाली फीलिंग, पार्टी वाली फीलिंग आती है इधर आके। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप जरूर आएँ और देखें इधर आके। दोस्तों अगर मैं बात करूँ बीचेस की तो चेन्नई और पांडिचेरी के बीचेस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आपको यहाँ पैराडाइज बीच मिलेगा। और आपको यहाँ पे आके गोवा जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा है, अभी आप जा सकते हो। वैसे दिसंबर में आ सकते हो तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, और यहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हो तो आपको बहुत एंजॉय करने को मिलेगा। गोवा में आप अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकते लेकिन थोड़ा सा माहौल नहीं रहता वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पूरा फैमिली वाला माहौल रहता है, तो आप इंजॉय कर सकते हो फुल्ली और अपना वीकेंड यहाँ पर बिता सकते हो। यहाँ पे आप राइड भी कर सकते हैं, वाटर पार्क भी है पास में ही, तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, और डीजे का एंजॉय तो आप कर ही सकते हो दोस्तों के साथ। और यहाँ पे घुड़सवारी भी चलती है, आप यहाँ पे घुड़सवारी का मज़ा भी ले सकते हो। काफ़ी कुछ है यहाँ पे करने को, आप अगर एंजॉय करना चाहो तो काफ़ी कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे। और सबसे जो मज़ेदार चीज़ है वो आप यहाँ बीच पे बैठ के आराम से, जब आप पानी आपको छूता है तो उसका मज़ा अलग ही है, उसका जो आनंद मिलता है वो वाकई में अलग है।